ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर मांगी गई अमन चैन की दुआएं। रमजान के पाक महीने में रोजों के बाद अल्लाह की तरफ से रोजेदारों को दिए जाने वाला बेहतरीन तोहफा, भाईचारे का संदेश देने वाला खुशियों का पर्व ईद आज पूरे देश में अमन और सादगी के साथ मनाया गया। जहां ईदगाह में हुई ईद की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नए नए कपड़े पहनकर सर पर टोपी लगाकर सुबह से ईदगाह के लिए निकल पड़े और ईदगाह जाने वाले रास्तों पर एक अजीब रौनक नजर आई। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद हजारों लोगों ने खुदा के सामने अपने हाथों को उठाकर अमन चैन व भाईचारा की दुआई मांगी, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी ईदगाह पहुंचकर लोगों ने मेले का खुद आनंद उठाया, मेले में खेल खिलौने खरीदे और मेले में जमकर लुत्फ उठाकर ईद की खुशियां बटोरी। और यह शहर की जमालसा स्थित ईदगाह में शहर काजी सैयद गुलाम अब्दुल शमद चिश्ती ने 7:45 पर फपुन नगर के बाईपास स्थित ईदगाह में सैयद नवाज अख्तर चिश्ती ने 7:15 पर जामा मस्जिद आस्ताना आलिया में कारी सैयद मंजर चिश्ती ने 8:00 चपटा स्थित ईदगाह में मौलाना सैयद मुजफ्फर चिश्ती ने तथा बाबा कपूरवा स्थित ईदगाह में मौलाना कारी रशीद ने 7:45 पर ईद की नमाज अदा की। वहीं शासन की ओर से ईदगाह में वाले तमाम रास्तों पर साफ सफाई और साथ ही साथ विशेष व्यवस्था की गई और सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाहों मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिल। आज ईद थी, किन किन जगह पे ईद की नमाज अदा की गई और ईद के मौके पर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज फपून कस्बे में 2 ईद की नमाज हुई, ईदगाह में 7:00 और जामा मस्जिद आस्ताना आलिया में 8:00। ईद के मौके पे तमामी अहले वतन को एक बहुत खसूसी पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप ईद की खुशी मना रहे हैं, उसी तरह उन लोगों का भी ख्याल रखें जो ईद की खुशी नहीं मना सकते, और ख़ास कर उन लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करके और उनकी खुशियों में शरीक होकर ईद को इस तरह मनाएं जिस तरह के मनाने का हक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ईद क्यों मनाते हैं, क्या है ईद? ईदुल्फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और इताअत करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है और ख़ुशी मनाने का एक हसीन मौका है जो अल्लाह ने अपने बंदों को फराहम किया है। और इस मौके पे मैं तमाम अहले वतन को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईद मुबारक फरमाए।